हेलो दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड ड्यू टू बायोंसी। आप देखिए, बायोंसी पे मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बनाई है। आपने नहीं देखी तो वो पहले देख लीजिए, तो ये बहुत ही इजी लगेगा आपको समझना वो, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, हम जब भी कभी वेट को हवा में पकड़ते हैं, ठीक है, मेरे पास कोई भी वेट है तो मैं उसको जैसे मान लेता हूँ कि ये वाटर बॉटल है मेरे पास, मैं इसको मैं हवा में पकड़ता हूं तो मुझे ये हैवी लगती है, लेकिन इसी को मैं अगर पानी के अंदर डालूं तो मुझे थोड़ी लाइट लगनी शुरू हो जाएगी, मुझे हल्की लगनी शुरू हो जाएगी। आपने ये चीज नोट भी की होगी कभी ना कभी जिंदगी में, आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा। तो पानी में जब आप लगाते हो ना उसको, फोर्स को पकड़ते हो, ठीक है, जो भी वेट लटक रहा है उसको आप पकड़ते हो, तो आपको लगेगा कि वो पानी में हल्की लग रही है आपको, वो लॉस ऑफ वेट होता है। पानी में एक कोई भी फ्लूड, एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए फ्लूड, ठीक है, चाहे वो हवा है, चाहे आप बात करें तो हवा भी एक तरह से वो बायोंसी फोर्स लगाती है, लेकिन वो एयर बहुत ही कम डेंसिटी वाली होती है इसलिए हमें पता नहीं लगता। देखिए, मैं सबसे पहले करता हूँ कि एक वेट लेता हूँ और उसको एयर में यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ये राजी, ये कोई वेट है, ये डाउनवर्ड एक्टर है, ठीक है। अब नीचे से क्या लग रहा है, नीचे से लग रही है फोर्स, कौन सी फोर्स लग रही है, बायोंसी फोर्स, ठीक है, नीचे से बायोंसी फोर्स, लेकिन किसकी, वो लग रही है एयर की। अब मैं एयर में इसको लटका रखा है, मैंने एयर में, इसके कारण क्या होगा, यहां पे टेंशन आ जाएगी टी, टेंशन का मतलब यहां पे मैं अगर ये लगा लो कि वेइंग स्केल नहीं होता जिसे हम लटकाते हैं, दूध भी कई बार वहां पे जाए, गांव में जाओ तो वहां से स्प्रिंग स्केल होता है जो, उससे हम उसको केजी देखते हैं कितने केजी का है, एक्चुअली वो न्यूटन में आना चाहिए, है ना, तो हम उसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, वैसे न्यूटन में होता है वो, ठीक है, न्यूटन की, तो आम भाषा में लोगों को न्यूटन को समझ नहीं आएगा कितने न्यूटन दूध लेना है, तो वो केजी में ही बातें करते हैं, उनको हमने कन्वर्ट करके रखा होता है। अब इसी को जब पानी में डाल देते हैं, इसी को हम पानी में डाल देते हैं, ठीक है, और बार बार कहूंगा पानी क्यों, पानी इसलिए लेते हैं हम ताकि ये लिक्विड हमें ना, इसकी डेंसिटी एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है कि 1000 kg/m³ है, आसान सी है और ये एक आम पाया जाने वाला लिक्विड है, ठीक है, तो इसलिए हम बार बार लिक्विड की एग्जाम्पल जब भी लेंगे तो वाटर ले लेते हैं। तो जब ये वाटर में होगा तो यहाँ पर बायोंसी फोर्स लगेगी, ठीक है, तो ये जो वेट होगा वो वेट कम लगना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, अगर स्प्रिंग स्केल है तो मैं अगर यहां पे स्केल लगा दूं, स्प्रिंग स्केल जैसे वो वेट, तो यहां पे, यहां पे अगर मान लो मेरे पास ये 20 kg का फोर्स था, ठीक है, 20 kg का मास था, लेकिन वो न्यूटन में कन्वर्ट करें, देखिए मास है 20 kg और वेट क्या बन जाएगा उसका, मास इनटू ग्रेविटी, तो मास है 20, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मान लेते हैं, तो 200 N, तो हवा में ये 200 N दिखा रहा था, क्यों, क्योंकि बायोंसी फोर्स नीचे से बहुत कम एक्ट करती है, एयर, एयर की जो डेंसिटी होती है वो सिर्फ होती है, एयर की जो डेंसिटी है वो होती है सिर्फ 1.2 kg/m³, इतनी कम होती है, जबकि यहां वाटर की जो है वो 1000 kg/m³ है, समझ रहे, यहां पे हमने वेट किया तो हमें पता लग गया कि 200 N की चीज है, लेकिन जब हमने पानी में यही स्केल लगाया तो वेट हमारा निकला सिर्फ 120 N निकला ये, तो ये 80 N कहां चला गया, तो 80 N मेरे भाई FBI है, बायोंसी फोर्स है। देखिए, यहां से वेट लटक रहा है, नीचे से एक हाथ आता है, एक हाथ की तरह ना, पानी ने जब फोर्स लगाया तो एक हाथ की तरह उसको उठा दिया, थोड़ा सा आपको हेल्प दे दी, जैसे आप कोई भार उठा रहे थे, ठीक है, अचानक से यार उठाया नहीं जा रहा, नीचे से एक बंदे ने और ने हाथ लगा दिया कि ले भाई ये मैं वेट तेरा मैं पकड़ लेता हूं थोड़ा सा, तो तुझे उठाना आसान हो गया ना, इसी तरह बायोंसी फोर्स यहां पे एक्ट करेगी, ठीक है, तो बायोंसी फोर्स आपको कम कर देगी, वेट को कम कर देगी। तो इसको कैसे लिखना है, अगर आपके कहीं पे बुक में है तो आपने ये चीज की होगी, और अगर आपके सब्जेक्टिव पेपर में आ जाता है तो किस तरह से इसको लिखना है, ये टेंशन टी लिखेंगे हम, ये वेट W लिखेंगे, यहां पे वेट जो है, यहां पे वेट है, और T1 टेंशन ले लेंगे, यहां पे टेंशन लिखेंगे T1, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हमारे पास क्या होगा, तो यहां पे देखिए ये T था, ये W था, तो मेरे पास यहां पे टेंशन कितनी शो होगी, यहां पे टेंशन कितनी शो होगी, जितना वेट है, तो वेट ही टेंशन होगा,
उतना उतना ही शो हो जाएगा, जितना वेट है उतना टेंशन, मतलब उतनी ही हमें न्यूटन फोर्स दिखने वाला है स्प्रिंग स्केल में। लेकिन यहां पे देखिए एफ बी ऊपर जा रहा है, टी वन ऊपर जा रहा है और डब्ल्यू नीचे आ रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, नीचे जाने वाली फोर्स डब्ल्यू अकेली है, ऊपर जाने वाली फोर्स टी वन भी है और एफ बी भी है, बायंसी फोर्स भी है, समझ रहे हो। अब हमारे पास क्या करना है कि टी वन एक साइड ले आएंगे, तो टी वन एक साइड ले आएंगे, टी वन तो W में से FB माइनस कर दो, W माइनस FB, ये हो गया। अब वेट लॉस क्या होगा, एक चीज देखो, वेट लॉस यहां पे जब स्प्रिंग स्केल लगाया तो आया 120 न्यूटन, यहां पे देखा था तो ये 200 न्यूटन था, तो ये कितने न्यूटन का वेट डिफरेंस आया, 80 न्यूटन का। तो मेरे पास जो वेट लॉस होगा, वेट लॉस होगा वो होगा T माइनस T1। अब T देखे यहां पे T1 अभी हमने निकाला ना, तो T माइनस T1 निकाला W माइनस FB, तो ये क्या है ब्रैकेट में है, तो T माइनस W प्लस FB, तो वेट लॉस आ जाएगा, वेट लॉस। अब देखो T और W सेम है, T और W सेम है, तो T की जगह W लिख दो, W की जगह T लिख दो, एक ही बात है, FB तो T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वेट लॉस क्या आ गया, वेट लॉस आ गया FB के बराबर, मतलब बायंसी फोर्स के बराबर। और वही मैंने पहले कहा था कि 200 न्यूटन का मेरे पास एयर में आ रहा है, यहां पे 180 न्यूटन का आ रहा है, नीचे से कितना फोर्स लग रहा है, 80 का, 80 न्यूटन का, तो बायंसी फोर्स क्या है, जितना इन दोनों में लॉस हुआ। तो हमें बायंसी फोर्स कभी पता करनी है किसी चीज की, तो बहुत आसान है, हवा में चीज को लटका लो, चाहे आप लिक्विड किसी भी लिक्विड में ले लो, ठीक है, उसमें जाओ स्प्रिंग स्केल से साथ लटका के रखो, उसमें जब आप डालोगे तो जितना वेट लॉस होगा उतनी ही बायंसी फोर्स होगी हमारी। इतना आसान होता है इस चीजों को फाइंड आउट करना, तो ये चीज आपको कभी ना कभी काम आने वाली है, जब आप सब्जेक्टिव पेपर देंगे तो इस तरह से, ऑब्जेक्टिव पेपर देंगे तो सीधा सीधा हमें पूछता है कि वेट लॉस किसके बराबर होगा, तो कई बार ये भी बोल देता है कि T-T1 टेंशन के कारण एयर और ये इसमें वाटर में, ठीक है, टेंशन के अगर डिफरेंस है तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर आप आपको ये पूछ ले कि बायोंसी फोर्स के बराबर होता है, तो हाँ बायोंसी फोर्स के बराबर होता है, तो इस तरह से आप इन चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। और मेरी बाकी वीडियोस जो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सर्च में लिखिए, टॉपिक नाम लिखिए, साथ गियर इंस्टीट्यूट लिखिए, आपके सामने वीडियो आ जाएगी। थैंक यू सो मच।